वादा कु नौन। अब्राम और सारे का कनान देश पहुँचना का 10 साल बाद अभी तक उनकी कोई संतान नहीं छे। इले अब्राम की जनन सारेल वे बेटी बोली, देख पिता परमेश्वरल अभी तक मीते संतान नहीं दीन, अर अब मी संतान पैदा करनु को बहुत बुढ़े हो गयो। अब सुन, मेरी दासी हाजिरा इखच वी बेटी ब्यो कर कि वह मी को संतान पैदा कर सक। तब अब्राहमल हाजिरा दगड़ ब्यो कैरी, हाजिरा को एक नौन वे और अब्राहमल वे नौना को नौ इस्माइल रख। पर सारे हाजिरा बेटी जलन रखन लगे। जब इस्माइल 13 वर्ष को छो, पिता परमेश्वरल तब दोबारा अब्राहम दगड़ी बात कर। पिता परमेश्वरल बोली, मी सर्वशक्तिमान परमेश्वर छो, मी त्वे दगड़ी एक वादा कर दू। तब अब्राहमल धरती में पोड़ी के परमेश्वर ते नमस्कार कैरी। पिता परमेश्वरल अब्राहम बेटी यू भी बोली, तू बहुत सी जातियों को बुबावेली, मी त्वे ते और तेरा वंशजों ते कनान देश ऊँकी अपनी धरती कनु को दे देल, और मी हमेशा को ऊँको परमेश्वर वे जौलू। त्वे ते अपना घर का हर आदिम को खतना कन होल, तेरी जनन सारे एक नौनते जन्म दयाली। उ वादा को नौन होल, वे को नौ इसहाक रख्या। मी वे का दगड़ी अपना वादा ते पूरा करूलू, और ऊ एक बड़ी जाति बन जाल। मी इस्माइल ते भी एक बड़ी जाति बनोलू, पर मेरु वादा इसहाक दगड़ राल। तब पिता परमेश्वरल अब्राहम को नौ बदल के अब्राहम रख दीन, जहाँ को मतलब बहुतों को बुबा। पिता परमेश्वरल सारे को नौ बदल के सारा रख दीन, जहाँ को मतलब च मूल बुए। वे दिन अब्राहमल अपना घर का सभी आदमियों को खतना करे। लगभग 1 साल बाद जब अब्राहम 100 वर्ष को वे और सारा 90 वर्ष की वे, तब सारल अब्राहम का नौनते जन्मदिन। जन पिता परमेश्वरल वे बेटी बोल छो, ऊल वे नौना को नौ इसहाक रख। जब इसहाक जवान वे, तो पिता परमेश्वरल अब्राहम की अजमैश कैरी की। पिता परमेश्वरल बोली, अपड़ा इकलौता नौनते अब दगड़ ले, और वे ते मी को बलिदान का रूप में मार दे। तब अब्राहमल पिता परमेश्वर की आज्ञा मानी, और अपड़ा नौनते बलिखनु को तैयार वे गे। जब अब्राहम और इसहाक बलि चढ़ाणु को वी जगह पर जान लगे, तो इसहाकल पूछी, हे बुबा, हम्मा बलिखनु को लकड़त छिन, पर बलिदान कनु को चिनुकु कक्ष। अब्राहमल जवाब दीन, मेरा नौना पिता परमेश्वर अफी ही बलिखनु को चिनका को इंतजाम करुल। जब ऊ बलिखन का वी जगह पर ऐनी, तब अब्राहमल इसहाक ते बांधी के वेदी का मैथी पुड़े दीन। वो अपड़ा नौनते मरण ही बल छो, कि पिता परमेश्वर बोली, रुक जा, नौनते नुकसान नहीं पहुँचो। अब मी जान गयो कि तू मेर डोर मैं दिछे, किले कि तू अपड़ा नौनते भी बलिदान कन से पिछनी नहीं रह। समीण में ही अब्राहमल एक खाड़ू देखी, जो कि झिबलाण में फंस्यू छो। इसहाक का बदला पिता परमेश्वर खाड़ू को इंतजाम कर छो। अब्राहमल खुशी खुशी खाड़ू की बलि चढ़े। तब पिता परमेश्वरल अब्राहम बेटी बोली, किले कि तू मी को सभी कुछ देणु को इच्छुक छे, एक तक कि अपड़ा इकलौता नौनते भी बलिदान कनु को दे दीन। इले मित्वे ते आशीष देणु को वादा कर दू, तेरा वंशज आसमान का गैणों बेटी भी ज्यादा होला, किले कि तिल मिर आज्ञाओं ते मैणी। इले मी तेरा परिवार का द्वारा दुनिया का सभी कुलों ते आशीष दियोल। उत्पत्ति अध्याय 16:22 बाइबल की एक कथा।